मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम एकदम काफी नजदीक है पार्ट थर्ड के लिए, तो हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको बाकी सभी चीजें एक बार याद आ जाए जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो पे ग्रेड का क्वेश्चन है। तो अक्सर आप लोग भूल जाते हैं पे ग्रेड वाले टॉपिक को, तो हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं पे ग्रेड के। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है, मिस्टर रंगराजन वॉज अपॉइंटेड इन अ कंपनी ऑफ चेन्नई ऑन द ग्रेड बी 22,000 से 430,000। पहले आप इस पॉइंट का मतलब समझिए, इस पॉइंट का क्या मतलब है, इस पर आते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, पे ग्रेड का मतलब ये हुआ कि मिस्टर रंगराजन की सैलरी 22,000 रुपीज से शुरू होगी और ये 400 रुपए हर साल बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि ये इंक्रीज होते होते 30,000 ना पहुंच जाए। अब जरा एक बात समझिए आप, इनकी ज्वाइनिंग हो रही है 1 जनवरी 2019 को। कब हो रही है? 1 जनवरी 2019, जबकि हम जिस ईयर का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो है असेसमेंट ईयर 23-24, जिसे हम प्रीवियस ईयर 22-23 कहते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ जिस ईयर में इनकम को कमाया गया है, अर्न किया गया है। तो आप सोचिए जरा कि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल 2019 को, तो इनकी सैलरी जो थी 22,000 थी और ये पैसा इंक्रीज होते होते 2022-23 तक कितना बनेगा, हमें ये भी तो जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग पे ग्रेड को समझते हैं कि ये सैलरी इंक्रीज होते होते कहां तक आएगा, उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे इस टॉपिक पर। तो आइए, मैंने आपके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन कर रखा है, देखिए ध्यान से आप मेरी बात को समझना। सबसे पहले आप ये बताओ, इनका ग्रेड पे क्या है? इनका ग्रेड पे है 22,000 से शुरू होगा, एवरी ईयर 400 रुपए इंक्रीज होगा, 400 रुपीज, तब तक वो इंक्रीज होगा जब तक कि वो 30,000 रुपीज तक ना पहुंच जाए। ओके, अब एक चीज सोचो आप, 1 जनवरी 2019 को इनकी सैलरी कितनी थी? 22,000 रुपए। जाहिर सी बात है, अगले साल 1 जनवरी 2020 को इनकी सैलरी 22,400 हो जाएगी, फिर 1 जनवरी 2021 को इनकी सैलरी 22,800 हो जाएगी, 1 जनवरी 2022 को इनकी सैलरी 23,200 हो जाएगी और 1 जनवरी 2023 को इनकी सैलरी 23,600 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 400 रुपए एवरी ईयर बढ़ रहा है, 400 रुपीज एवरी ईयर इनहांस हो रहा है। अब सवाल है कि हम किस ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं? तो हम लोग बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 22-23, जिसे हम असेसमेंट ईयर 23-24 कहते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो 22-23 का पीरियड है बच्चों, इसमें 2022 भी आ रहा है और 1 जनवरी से 2023 भी इंटर कर रहा है। तो इसका मतलब कि अप्रैल टू दिसंबर हम 2022 का सैलरी उठाएंगे 23,200 रुपए 9 मंथ के लिए, और जनवरी टू मार्च सैलरी बढ़ जाएगी 23,600, यानी 3 महीने के लिए इनकी सैलरी हो जाएगी 70,000 रुपए। तो आपको ये क्लियर हुआ पे ग्रेड? अब आप एक चीज देखो, यानी इस मिस्टर रंगराजन की जो सैलरी है प्रीवियस ईयर 22-23 में, अप्रैल टू दिसंबर अलग अमाउंट और जनवरी टू मार्च अलग अमाउंट, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी पूरी सैलरी 2,79,600 होता है। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो, हम यहां पर वीडियो को रोक। चलो, तो आपने पे ग्रेड नोट डाउन किया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, पे ग्रेड जो है नोट डाउन कर लो। आ जाओ वापस से क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिस्टर रंगराजन के पे ग्रेड सैलरी को क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। कहता है, रिसीव 50% डियरनेस अलाउंस, मतलब जो इनकी बेसिक सैलरी है उसका 50% अगर हम निकालेंगे तो डियरनेस अलाउंस होगा। तो इनकी सैलरी आई कितनी? अभी हम लोगों ने इनकी सैलरी कितना कैलकुलेट किया था, 2,79,600। तो देखिए, इनकी सैलरी हो गई 2,79,600, इसका 50% हमारा डियरनेस अलाउंस हो गया। फर्दर क्वेश्चन में कहता है बच्चों, बिसाइड दिस ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस,
अच्छा मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है, चाहे ये अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे किया जाए या किसी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को पे किया जाए, ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो इसे तो हम फुल्ली टैक्सेबल कर देंगे। फर्दर देखिए क्या कहता है, इन द टर्म ऑफ सर्विस ही इज रिक्वायर्ड टू एंटरटेन द क्लाइंट ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के क्लाइंट के एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब वह बच्चों के, कस्टमर के चाय पानी ये सब के लिए। आगे देखिए क्या बोलता है, ही रिसीव ऑल्सो हाउस रेंट अलाउंस, कितना 3200 रुपए पर मंथ, यानी 3200 पर मंथ। और मिस्टर ए ने एक फ्लैट ले रखा है रेंट पर, जिसका वो रेंट पर पे करते हैं 8000 पर मंथ। अब आप जानते हो, आप ये क्लियरली जानते हो कि हमें एचआरए के फॉर्मेट पर कंप्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्लास में कंप्यूटेशन ऑफ एचआरए भी सिखा रखा है, ऐसे मैं रिपीट करूंगा भी, आप पैनिक मत हो। तो देखिए एचआरए के कैलकुलेशन के लिए बच्चों हमें दो चीज चाहिए, पहला कि वो आदमी को एचआरए कितना मिला है एम्प्लॉय को और वो कितना रेंट पे कर रहा है, दो चीज। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, क्योंकि चेन्नई मेट्रो सिटी है बच्चों, और एचआरए के केस में मेट्रो सिटी में 50% लिया जाता है सैलरी का, ये मैंने आपको बता रखा है, सैलरी का 50%। ओके तो हम लोग एचआरए के कैलकुलेशन पे भी चलेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखिए कहता है द कंपनी प्रोवाइडेड हिम अ स्वीपर, कुक, गार्डनर, जिसको कंपनी 200 पर मंथ पे कर रही है। तो बच्चों मैं एक चीज आपको बता दूं, ये टैक्सेबल परक्यूजिट है। अब आप सोचो ना कि आप एक एम्प्लॉई हो और आपको स्वीपर, कुक और सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है, तो सवाल ये है कि क्या एम्प्लॉयर के पॉकेट से पैसे नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहा है, एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से खर्च कर रहा है 200 पर मंथ। तो स्वीपर का 200 पर मंथ, कुक का 200 पर मंथ, गार्डनर का 200 पर मंथ, तो ये भी तो टैक्सेबल परक्यूजिट है हमारा, टैक्सेबल परक्यूजिट से ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। आगे का सिनेरियो देखते हैं, कहता है ही हैज बीन प्रोवाइडेड टू मोटर कार, एम्प्लॉय को दो मोटर कार प्रोवाइड की गई है, एक कार लार्ज है और अनदर कार स्मॉल है। ओके एक बार आप अपनी कॉपी ओपन करना, मैंने कार का रूल आपको कुछ लिखवाया था, दो कार के केस में हम क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दो कार प्रोवाइड करता है तो उसका एक सर्टेन रूल था जो अभी हम रिपीट कर देंगे आपके लिए। फिर देखिए कहता है द कार यूज्ड इन पर्सनल, सॉरी द कार्स आर यूज्ड इन पर्सनल यूज आल्सो, ठीक है पर्सनल यूज भी हो रहा है, कंपनी बियर द एक्सपेंस ऑफ ऑफिशियल यूज। अब आप ही बताओ अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार का दोनों यूज हुआ है, देखिए आप मैं क्वेश्चन को इनडायरेक्टली समझिए, देखिए कार का जो यूज्ड हुआ है बच्चों वो पर्सनल भी हुआ है और ऑफिशियल भी हुआ है, और जो एम्प्लॉयर है वो सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंस पेड कर रहा है। तो सवाल है कि पर्सनल एक्सपेंस कौन पेड कर रहा है, एकदम क्लियर आंसर है एम्प्लॉय खुद, समझे एम्प्लॉय खुद पे कर रहे हैं। देखो और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लार्ज कार इज 6 लाख एंड स्मॉल कार इज 3 लाख, एक्सपेंस रिलेटिंग टू कार, यानी कि पहले वाले कार का 80,000 और दूसरे वाले कार का 60,000। आगे कहता है बच्चों कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ईच कंट्रीब्यूटेड 8.3% ऑफ हिज सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू आरपीएफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम नोटिस करो कि एम्प्लॉयर सैलरी और डियरनेस अलाउंस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। मैंने आपको आरपीएफ का रूल पढ़ाया था और आप याद करो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के 8.3% ऑफ सैलरी का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली डियरनेस अलाउंस नहीं है, ये डियरनेस पे है, डियरनेस पे है, समझिए इस बात को। जब एम्प्लॉयर डियरनेस अलाउंस का भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्योंकि एज पर रूल आरपीएफ में डियरनेस पे जाता है, इसका मतलब ये डियरनेस पे है। सर इस पॉइंट को आप बार बार क्यों क्लियर कर रहे हैं, ताकि एचआरए के कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन को रीड किए ताकि एचआरए आपको समझा सके। अब आप देखो एचआरए के लिए हमको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत थी कि एचआरए हमें कितना मिला, फ्लैट का रेंट मिस्टर रंगराजन कितना पे कर रहे हैं, और जॉब कहां कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी चेन्नई। अब आप आ जाओ एचआरए के कैलकुलेशन में, देखो मैंने आपको एचआरए का कैलकुलेशन क्या सिखाया था क्लास में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13, मैंने आपको बताया था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली क्या लिखते हैं,
एचआरए रिसीव्ड, इंप्लॉय को जो भी एचआरए मिलता है वो हम लिख देते हैं। तो एचआरए मिला कितना है, देखो क्वेश्चन पे फिर से चलो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इनको एचआरए मिला है 3200 पर मंथ, आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये आ जाएगा 38400। रूल कहता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इस तीनों में जो सबसे छोटा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एचआरए रिसीव्ड वो हम लिख दिए, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट इन्होंने कितना पे किया है, तो मिस्टर रंगराजन महीने का 8000 पे कर रहे हैं, तो 12 महीने का 96000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो पता है बच्चों, सैलरी के लिए हमें तीन चीज लेनी पड़ती है, वो तीन चीज मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास में, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे, आप यहां देखो ये वाले टॉपिक पे देखो, डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। तो बेसिक सैलरी है 2,79,600 जो मैंने पे ग्रेड में कैलकुलेट किया था ना, ये देखो आप, ये पे ग्रेड में कैलकुलेट करके लाया था ना, यहां देखिए, और डियरनेस पे आ गया इसका 50%, तो 1,39,800 डियरनेस पे हो गया, कमीशन ऑन टर्नओवर तो नहीं है, तो टोटल हो जाता है 4,19,400 रुपए, उसका 10% हम लोगों ने लिया, 41,940 रुपीज, तो डिफरेंस कितना आया, 54,060 रुपीज। आप जानते हो मेट्रो सिटी के केस में हमें 50% लेना होता है, अदर देन मेट्रो में 40% लेना होता है, तो मेट्रो सिटी है तो हम 50% टेक ओवर कर लिए, तो 4,19,400 का 50% हम लोगों ने लिख दिया 2,09,700। अब आप बताओ इस तीनों फिगर में सबसे छोटा अमाउंट कौन है, तो इस तीनों फिगर में सबसे छोटा अमाउंट है 38,400। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो जितना हमें एचआरए मिला उतना ही एचआरए एग्जेम्प्ट हो गया, तो जितना एचआरए मिला बच्चों उतना एचआरए एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल एचआरए क्या हो गया हमारे पास, नील। तो हमने टैक्सेबल एचआरए भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं कार के कैलकुलेशन पे, देखो ध्यान से आप नोटिस करो, एम्प्लॉयर ने ईआर का मतलब एम्प्लॉयर हो गया बच्चों, शॉर्ट में ईआर का मतलब एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने दो कार प्रोवाइड किया। मैंने आपको क्या बताया था क्लास में कि जो सबसे पहला कार होगा, जो फर्स्ट व्हीकल होगी, उससे मिक्स्ड रूल पे आप अप्लाई कर देना, मिक्स्ड रूल। तो देखो इस केस में इन्हें दो कार मिला है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो फर्स्ट कार पे हमें मिक्स्ड रूल अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है बच्चों, मिक्स्ड रूल। और मिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंगली इंप्लॉय पे कर रहा है ना एक्सपेंस, तो जब इंप्लॉय एक्सपेंस पे करता है तो लार्ज कार का कितना हो जाता है, आप याद करो मैंने आपको रूल पढ़ाया था 2400 और 1800 पर मंथ, 900 पर मंथ और 600 पर मंथ, जब इंप्लॉयर पे करते हैं तो 1800 और जब इंप्लॉय पे करते हैं तो 900 और 600। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम आपको रूल पर ले चलते हैं, आप वेट करो बस एक मिनट, मैं आपको उस रूल पे ले चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक बार रूल रिकॉल कर देते हैं आपके लिए, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्लास में यही बताया था ना वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, तो मोटर कार का रूल मैंने आपको बताया कि जब एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को एक कार अलॉट करता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। पहला, फुल्ली ऑफिशियल, अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज किया जा रहा है, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज किया जा रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, और अगर पूरी तरह से पर्सनल यूज हो रहा है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम लेते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस को जोड़ देते हैं और ड्राइवर और सैलरी के चार्जेस को हम ऐड कर देते हैं, और अगर मिक्स्ड यूज हो रहा है तो मिक्स्ड यूज के लिए, मिक्स्ड का मतलब हुआ दोनों इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने आपको यह बताया था कि अगर कार लार्ज होगा और एम्प्लॉयर पे करेंगे तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा, स्मॉल कार में 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा, और अगर एम्प्लॉय पे कर रहे हैं तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा और स्मॉल कार में 600 पर मंथ टैक्सेबल होगा। लेकिन अब आप एक चीज देखो, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दो कार अलॉट किया है, मतलब एक से ज्यादा कार प्रोवाइड किया है, तो वैसे केस में मैंने आपको बताया था कि आप एक कार को ट्रीट फर्स्ट कार, फर्स्ट वाले को मिक्स्ड रूल पे अप्लाई कर दो और सेकंड वाले को पर्सनल अप्लाई कर दो। तो यही काम हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी करना है, और इत्तफाक से मिस्टर रंगराजन को जो फर्स्ट कार मिला है वो लार्ज है, लार्ज है, और आप देख लो कि लार्ज कार के केस में जब इंप्लॉय पे करता है तो कितना टैक्सेबल होता है, 900 पर मंथ, इसीलिए मैंने वहां 900 पर मंथ टैक्सेबल किया था, और सेकंड कार का टोटली पर्सनल करना है।
तो चलिए हम लोग वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको क्लास में बताया था, होप सो शायद आपको याद आ गया हो। तो हम लोग वापस से उसी क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाली कार को मिक्स्ड रूल अप्लाई कर दिया और इत्तफाक से वो कार लार्ज है। तो जो फर्स्ट कार है बच्चे, आप क्वेश्चन एक बार देखिएगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट कार लार्ज है और एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, एक्सपेंस इंप्लॉय पे कर रहा है। तो जब इंप्लॉय पे करता है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाता है। तो 12 महीने का कितना हो गया हमारा, 10,800 रुपए। अब हम सेकंड कार पे आते हैं, तो कहता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो सेकंड कार का कॉस्ट कितना था, 3 लाख रुपए। आप क्वेश्चन पे देख लो, हम क्वेश्चन वापस लाते हैं, आप एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन पे देखिए, देखिए स्मॉल कार का कॉस्ट है ना 3 लाख रुपए, ये देखिए हाईलाइट कर रहे हैं आप, देखिए। तो क्या किया हमने, सेकंड कार का कॉस्ट लिख दिया, ड्राइवर तो था नहीं उस पॉइंट को छोड़ दिया, और मेंटेनेंस लग रहा है 60,000, तो जोड़ दिया 90,000 हो गया। तो कार लार्ज कार और स्मॉल कार दोनों का ऐड कर देने पे आ रहा है 1,08,000 रुपए, यानी 1,08,000 रुपीज। तो पर क्यूसिट वैल्यू ऑफ कार भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं सैलरी के कंप्यूटेशन की बारी। चलो देखो हम क्लास में जो जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए हैं वही हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, कुछ नया नहीं, आप अपनी कॉपी पलट के देखना। तो आ जाओ अब हम आते हैं सैलरी के कंप्यूटेशन पर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना था, सैलरी। तो सैलरी हमारा कितना हो गया था, 2,79,600। कहता है डियरनेस अलाउंस इसका 50% होगा, तो हमने 50% कहां पुट कर दिया, डियरनेस अलाउंस में पुट कर दिया। इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसको फुल्ली टैक्सेबल कर दिया 15,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली। स्वीपर गार्डनर और कुक, मैंने आपको अभी जस्ट बताया ये फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स होते हैं, तो इन तीनों को भी टैक्सेबल कर दिया। कार का वैल्यू आया 1,08,000, वो भी लिख दिया। और आरपीएफ का जहां तक मैटर है, तो वो आप समझ लीजिए कि अप टू 12% तक तो एग्जेम्प्ट ही होता है ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 12%, 12% तक कॉन्ट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट ही होता है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। और इंप्लॉयर ने इंप्लॉई के इनकम टैक्स का पेमेंट किया है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई के बदले इनकम टैक्स पेड करता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट है, फुल्ली टैक्सेबल परक्यूसिट है। लेकिन अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई के परक्यूसिट पे टैक्स पे करेगा, समझे, परक्यूसिट पे टैक्स पे करेगा, तो इसको आप एग्जेम्प्ट कर देना। मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी था, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जब इंप्लॉयर इंप्लॉई के बदले में इनकम टैक्स पे करेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है, इसलिए मैंने टैक्सेबल कर दिया। ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी 7,57,400, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे दिया, टैक्सेबल सैलरी आ गई। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िएगा और एक बार रिकॉर्डिंग फिर से सुन लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, वेरी वेरी थैंक यू।